हेलो नीट के प्राणियों। तो आज मैं आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी कमेंट सेशन में आ रहा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अगर आपके पास लेक्चर हैं या नोट्स हैं तो हमें बता दो। तो मैंने एनसीईआरटी की बेसिस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। मेरा फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट बार टीचिंग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैंने कैसा पढ़ाया और आगे मुझे कंटिन्यू पूरा चैप्टर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने मांगा था तो मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, मेरे एफर्ट्स हैं। तो प्लीज़ बताना कि कैसा लगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं चैप्टर। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। जो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। ये मैंने शॉर्ट नोट लिख दिए हैं, आप लोग ले लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट नो व्हाट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो आई विल टेल यू द डेफिनेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इंटू ग्रुप्स, इंटू डिफरेंट ग्रुप्स में करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिफ्रेंशिएट करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो मैंने समझा दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, बात करते हैं अब नेक्स्ट की। देखिए, सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से ही बहुत सारे अटेम्प्ट लिए गए टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, बट दोज क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड एट दैट टाइम वर नॉट फिट इन द साइंटिफिक अप्रोच। यानी जब जो उस टाइम पे क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया लिए जाते थे वो साइंटिफिक अप्रोच को अप्रूवम नहीं करते थे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले डेली बेसिक ये यूजेस में क्लासिफिकेशन करा गया, जिसमें उन्होंने फूड, शेल्टर, क्लोथिंग को देखा गया, बट ये साइंटिफिकली अप्रोच नहीं कर रहा था क्राइटेरिया को क्लासिफिकेशन के। ओवर एंड टाइम, धीरे धीरे जैसे टाइम हुआ, एंड अटेम्प्ट हैड बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उनके अंदर थोड़ी जो टेक्नोलॉजी आती रही, साइंटिफिक चीजें अप्रोचमेंट होती रही, तो उन लोगों ने क्राइटेरिया ये से बदल कर, यहाँ से बदल कर उन लोगों ने देखा कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मैच करके देखे, फिजियोलॉजिकल करेक्टर मैच करके देखे, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज मैच करी, और इन सब के साथ साथ उन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी करा। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी उनकी पूरे इवोल्यूशन कहाँ से होता है, क्या होता है, ये सब रिवोल्यूशन बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन करना शुरू हो गया। चैप्टर में पर्टिकुलरली हम मोनेरा की बात करेंगे, प्रोटिस्टा की बात करेंगे एंड फंगाई की बात करेंगे। तो ये चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है मेन, आपके ये इंक्लूड होते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसमें होगा किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो चलिए अब उसको समझते हैं। सो बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन के द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था वो सिंपल वन और टू करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। तो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन बाय एरिस्टोटल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो टिक करके रखो, आ सकता है। यानी जो फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने करा था, वो एरिस्टोटल ने करा था। वो था क्या, उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज द सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इंटू हर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। यानी उसने बहुत ही ईजी तरीके से प्लांट्स को क्लासीफाई करा था, यानी हर्ब्स में करा था, श्रब्स में करा था और ट्रीज में। और वहीं उसने एनिमल्स को भी बहुत ही सिंपली तरह से क्लासिफाई कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज और नॉट हैविंग आरबीसीज। यानी उसने दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया था एनिमल्स को, एक तो एनेमिया, एक इनेमिया। तो एनेमिया में क्या होता था, एनिमल्स विदाउट आरबीसीज, एनेमिया में जो एनिमल्स थे उनके पास आरबीसीज नहीं होती थी और इनेमिया में आरबीसीज होती थी। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन करा था, और फर्स्ट क्लास साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था एरिस्टोटले के बारे में, और ये पूरा उसका प्रोसीजर। तो ये बना लें, काफी इजी तरीके से पूरा इंक्लूड है इसमें। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। एरिस्टोटले के बाद लीनस आए, जिसने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक करके लिख लेना। लीनस आए जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उनका कहना था कि टू किंगडम में क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया, एक थी प्लांटी, दूसरी एनिमिलिया। उन्होंने दो किंगडम में, लीनस आए, उन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फर्स्ट किंगडम इज प्लांटी एंड देन अदर वन इज एनिमिलिया।
उनके क्या क्राइटेरिया थे क्लासिफिकेशन के, उन्होंने देखा कि सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस पे देखा, दूसरा लोकोमोशन फीचर्स पे देखा, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा उनने, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी जो भी स्टिमुलाई को जो रिस्पॉन्स था उसके बेसिस पे देखा, और लास्ट उन्होंने देखा कॉन्ट्रैक्चुअल वैक्यूल के बेसिस में यानी जो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता, इन बेसिस पे उन्होंने इस क्राइटेरिया में उन्होंने डिवाइड करा प्लांटे और एनिमेलिया को। तो ये लिख लें पूरा इंक्लूड है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या था जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई थी लिनस की टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बात करते हैं जो लिनस का सेकंड किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें ये था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिफरेंस नहीं बता पा रहा था कि कौन सा यूनिसेलुलर और कौन सा मल्टी सेलुलर, ना कि वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस बता पा रहा था कि कौन सा यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस वाला और कौन सा इम्परफेक्ट न्यूक्लियस वाला है, तो ये चीज भी वो नहीं बता पा रहा था। तीसरी और मेजर बात, वो ना तो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक यानी ग्रीन एल्गी और फंगाई के बीच में डिफरेंस नहीं बता पा रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना एक जगह कि किस किस चीजों के बेसिस पे टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल हो गया। पहला था वो डिफरेंस नहीं बता पा रहा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में। वही बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो बोथ प्लांट्स और एनिमल के दोनों का करेक्टरिस्टिक देते थे बट उनमें फिट नहीं आ पा रहा था, कि समझ में नहीं आ रहा था इन्हें किस कैटेगरी में रखें। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोनस जुबलीना और स्लाइमोड्स, ये दोनों बोथ करेक्टरिस्टिक दिखाते थे एनिमल्स के भी प्लांट्स के भी, सिंस देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट फॉल नेचुरली इन टू ईदर प्लांट्स और एनिमल किंगडम, इट वॉज प्रपोज दैट अ न्यू किंगडम इज टू एस्टेब्लिश टू अकोमोडेट सच ऑर्गेनिज्म। यानी ये फेल हो गया सेकेंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी अब ठहराया गया कि जब ये भी फिट या तो एनिमल्स में भी हो रहे हैं प्लांट्स में भी, अब क्या करा जाए। तो अब एक और ये डिसीजन लिया गया कि एक और हमें न्यू किंगडम स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तो अब हमारी अब न्यू किंगडम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद थर्ड किंगडम आई, फोर्थ किंगडम आई, बट वो भी फ्लॉप रही और इसके पढ़ने में हमें इसके ज़्यादा आता भी नहीं है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आरएच विटेकर इन 1969, यानी 1969 पे आरएच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी और जो अभी भी चल रही है, और उसमें क्लासिफिकेशन में थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी और एनिमिलिया, और ये सब फेल हो गया। और अब ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पूरा कि कौन कौन से किसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन करा गया। अब बात करते हैं इसकी क्या क्या बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है तो वो आपको याद भी करने में पूरा चार्ट बना देता हूँ और पॉइंट्स के उसमें लिख देता हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ना है। टेकर साहब ने हमारी क्लासिफिकेशन करी थी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, वो बेस थी सेल स्ट्रक्चर के, यानी जो सेल का स्ट्रक्चर था वो प्रोकैरियोट्स था ये यूकैरियोट्स था, ठीक है, या तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन में देखा था। सेकंड पॉइंट था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी को सही तरीके से डिफरेंशिएट करा गया था या नहीं करा गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया कि ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक है, ये चीज देखी गई। फिर उसके बाद देखा गया रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो चीज देखी गई। और लास्ट में देखा गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी उसकी इवोल्यूशनरी, उसका इवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजें देखा जाता, और उसके बाद एनिमल या कोई भी चीज को प्लांट को क्या क्लासिफाई करा जा रहा था। तो ये थे पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन जो विटेकर ने लिए सही है या नहीं है, पूछ लेंगे कि सेल स्ट्रक्चर लिया था या नहीं लिया था। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स है ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने आप लोगों को आर एच विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया लगा हो, और अगर बढ़िया लगा हो तो मुझे आगे बताना, कंटिन्यू करूँ या ना करूँ मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना कि इसको मैं इस चैप्टर को कैसा पढ़ाया, और ये फर्स्ट क्लास थी मेरी, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इसे मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।